बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबीही अजमाईन व मन तबिअहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। قال الله تبارك وتعالى واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما اخاف على امتي الائمه المضلين رواه الترمذي। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है, और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, सूरह आल इमरान जो दरअसल बदअकीदगी या अकीदत के नाम के पर गुमराही के रद में नाजिल हुई। आल इमरान ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खानवादे से मुतालिक है। ईसाइत की गुमराही की वजह क्या थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत सारे ऐसे मोजज़ात अता करना जो दरअकीकत अल्लाह की तरफ से थे, लेकिन ये चीज़ें उन्हें उलूहियत की तरफ लेकर गई। जैसा कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए, अलावा जी अल्लाह ने जो मोजज़ात उनको अता किए कि मिट्टी का परिंदा बनाना और उसे अल्लाह के नाम पर ज़िंदा कर देना, अगर कोई मादरजाद कोड़ी है, बरस का मरीज़ है, सिर्फ़ अल्लाह का नाम लेकर उसके बदन के पर हाथ फेरते शिफायाब हो जाता। मुर्दे को कहते कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से उसकी इजाज़त उसके हुक्म से ज़िंदा हो जा, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाता। तो इन चीज़ों को लेकर ये गुमराही का शिकार हो गए। यानी मामला अकीदत मंदी का था, फजीलत का था, जिसकी बुनियाद के पर ये गुमराही की राह की तरफ और उस राह पर चले गए। कुरान मजीद ने इस सूरह के आगाज़ में क्या कहा? कुछ चीज़ें होती हैं जो मुतशाबे होती हैं, यानी इंसान जिसकी बुनियाद के पर तशाबों का शिकार हो जाता है, हालांकि ऐसे मौके पर जो वाज़े अहकामात हैं उसके पर अमल करना चाहिए, ना कि मुबहम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शुबे में डालती है। एक तरफ कुरान मजीद कहता है अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से ये अल्लाह का वाज़े बयान है, और अहादीस इसके पर बहुत सारी मौजूद है, आयतें भी हैं कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श के पर मुस्तवी है। लेकिन कुरान मजीद में कई मकामात के पर यह भी कहा हुआ माकुम अइनमा कुंतुम, के तुम जहां कहीं रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है। हजरत मूसा हजरत हारून अलैहि मसलात व सलाम को अल्लाह ने कहा ला तखाफा इन्नी माकुमा, डरो मत, मैं तुम दोनों के साथ हूं। अब यहां मामला यह है कि एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी, और दूसरी तरफ बात यह है कि कुरान मजीद ये कह रहा है कि वह हजरत मूसा के साथ है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ है, वो बंदों के साथ है। यहाँ तक कि सूरह काफ में अल्लाह ने बयान किया कि वो तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब है, हालांकि वहाँ पर जो मुफस्सरीन बयान करते हैं कि हकीकत में वहाँ पर फरिश्ते मुराद हैं, अल्लाह तबारक व तआला नहीं। लेकिन फिर भी ये जो माईयत का मामला है, इसकी बुनियाद के पर अगर कोई ये कहे कि कुरान मजीद में अल्लाह की माईयत का तस्करा है, वो हर जगह है, हर किसी के साथ है, फिर ये अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, रहमान अर्श के पर मुस्तवी है, अल्लाह की एक सिफत अली है, अल्लाह सबसे बुलंद है, इसका क्या किया जाए? तो वाज़े अहकामात ये हमारे लिए अहमियत रखते हैं, और जो मुतशाबे हैं फिर वहाँ तफसीर देखी जाएगी और उसकी तावील की जाएगी, वो तावील जो दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब किराम की फहम के मुताबिक है। कुरान के ताल्लुक से एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कुरान सिर्फ नाजिल करना मकसूद होता तो अल्लाह तबारक व ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजता। आज जो एक जदीद फितना, बल्कि
हर दौर के फितने के अंदर ये बात आपको उमूमी तौर पर मिलेगी। ये बात याद रखिएगा कि फितने ऐसे नहीं होते कि मुकम्मल तौर के पर गलत बयानी के पर होते हैं, भले कि ये बहुत सारी अच्छाइयों के साथ अपनी कुछ बुराइयां दाखिल करते हैं जो सारी अच्छाइयों को डायनामाइट करती है, खत्म कर देती है। जैसा कि शिर्क, अगर एक बंदा पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ता रहे, पंज वक्ता नमाज अदा करे, रोजे रखे, हज अदा करे, ज़कात देता रहे, लेकिन अगर वो शिर्क करता है, कुरान साफ करता है कि तुम्हारे सारे आमाल ज़ाय और बर्बाद हो जाएंगे, तो शैतान क्या कोशिश करेगा कि उसे ऐसा अमल कराए जो उसकी पूरी जिंदगी की नेकियों को ज़ाय कर दिया जाए। शैतान के गुमराही के तरीके जुदा जुदा होते हैं। अगर कोई नेकी कर रहा है उसको नेकी के नाम पर गुमराह करेगा, अगर कोई किसी की अकीदत में मोहब्बत में गिरफ्तार है तो उसे अकीदत और मोहब्बत के नाम के पर गिरफ्तार गुमराह करेगा। एक बहुत प्यारी मिसाल है कि असहाब किराम, जैसा कि बुखारी मुस्लिम दोनों की रिवायत में है, इबादत के ताल्लुक से शैतान ने उन्हें गुमराह करना चाहा। मैंने खुतबा जुमा में पूरी तफसील के साथ इस चीज़ को बयान किया था कि तीन सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के अहवाल को जानना चाहते थे। जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने क्या कहा, कअन्नहुम तक़ल्लुहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को कम समझा। और यही फिक्री गुमराही है। इंसान की फिक्र जब गुमराह होती है तो सारे मामलात बिगड़ते हैं। उसने फिक्र के पर हमला किया, कहा कि नबी तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, अल्लाह के रसूल के अगले पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दिया गया है, लिहाजा हमें अल्लाह के रसूल से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। यही फिक्री गुमराही है। जब फिक्र गुमराह होती है, सोच बिगड़ती है, तो फिर नतीजा आमाल की खराबी के शक्ल में जाहिर होता है। चुनांचे एक ने कहा कि मैं हमेशा रात भर इबादत करूंगा, एक कहता है कि मैं निकाह ही नहीं करूंगा ताकि बीवी बच्चे नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा इबादत का मौका मिलेगा, एक कहता है कि मैं हमेशा रात भर नमाज पढ़ूंगा, एक कहता है मैं हमेशा रोजा रखूंगा। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों के बारे में रद्द करते हुए कहा कि मैं रोजा रखता हूँ, रोजा नहीं भी रखता हूँ, आम दिनों की बात। उसके बाद आपने कहा कि मैं रात में इबादत करता हूँ, सोता भी हूँ, बदन का भी हक है, और मैं शादियां भी किया हूं। पूरी हदीस का निचोड़ एक जुमला है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरी सुन्नत मेरे तरीके से इन्हिराफ करेगा उसका ताल्लुक मुझसे नहीं। खत्म हो गई बात। यानी हर चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल आपके तरीके के खिलाफ होगी वो रद्द होगी, मरदूद होगी। इस हदीस के मेरे पेश करने का मकसद ये था कि शैतान इंसान को नेकी अगर कर रहा है तो नेकी के नाम पर गुमराह करता है। ईसाईयत अकीदत की बुनियाद के पर गुमराह हुई, और यही चीज़ हमें उम्मत मुहम्मदिया के अंदर भी नज़र आती है। अकीदत के नाम के पर भी, फजीलत के नाम के पर भी, ये जो शबे बरा, शबे मेराज वगैरह, ये सब फजीलत की गुमराहियाँ हैं। दरूद शरीफ की इतनी सारी फजीलत, ये फजीलत की गुमराहियाँ हैं जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। बड़ी बड़ी फजीलतें बता दी गई, अब इंसान उन्हीं फजीलतों में मगन है, सही और गलत की तमीज़ नहीं, और उसके बाद उसके आगे के इकदाम कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और संगीन है। जब वो देखता है कि मेरे अमल इतने ज़्यादा हैं और एक दरूद पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, तो फिर वो क्या करता है, लोगों का माल दबा कर बैठ जाएगा, भाइयों के हुकूक के पर कब्ज़ा कर लेगा, नहीं देगा तरके के अंदर ना मीरास के अंदर। हमारे यहाँ जो बहुत सारे मसाइल हैं उसकी वजह यह भी है कि हमने नाजायज़ फजीलतों की बुनियाद के पर यह समझ लिया है कि हम बहुत फजीलत हासिल कर चुके हैं, अब हम किसी का माल दबा लें, किसी का हक ना दें, बहन भाइयों के हुकूक के पर कब्जा कर लें, विरासत में उन लोगों को हिस्सा ना दें, सब बख्शी दिया जाएगा, सारे माफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये फजीलत की गुमराहियां हैं। शैतान देखता है कि जो जिस राह से गुमराह हो सकता है उसी राह से गुमराह करने की कोशिश करता है। चुनांच शैतान ने जब ये देखा कि उम्मत मुहम्मदिया को ना तो शिर्क में मुब्तला किया जा सकता है, और ना ही उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे किराम मौजूद थे, इन लोगों को हम बिदात में मुब्तला कर सकते हैं, तो उसने फजीलत का लिबादा उड़वाया अब्दुल्ला बिन सबा के जरिए से, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला की फजीलत के नाम के पर उम्मत के अंदर गुमराही का और इख्तिलाफात और तनाजात का बीज बो दिया। और ये बीज इतना तनावर है कि उसके फल हमें
आए दिन नजर आते हैं और उम्मत के अंदर इंतशार की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं, उसने उसी चीज़ का इस्तेमाल किया। अब्दुल्ला बिन सबा हकीकत में यहूदी और उसके बाद मुसलमानों के दरमियान अपने आप को बहुत पारसा मुत्तकी बनाकर लाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत के नाम के पर उम्मत को गुमराह किया। ये सारे हथकंडे उसने इस्तेमाल किए। और आज भी जो दरअसल फितना परवर हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत का लिबादा ही होते हैं, हमें उनकी फजीलत से कोई इनकार नहीं। लेकिन वो फजीलत जहाँ किसी सहाबी की फजीलत होती हो या उनके मकाम को दबाने की कोशिश की जाती हो, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक या तो हज़रत उमर फारूक या हज़रत उस्मान गनी, किसी के पर भी अगर अंगुष्ट नुमाई होती है या किसी भी सहाबी, चाहे वह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही क्यों ना हो, हमें ये चीज़ मंजूर नहीं। ये सलफ़ के मनहज के खिलाफ है। सलफ़ का मतलब क्या है? असहाब किराम बिलखसूस हमारे सलफ़ हैं, यानि जो मिजाज असहाब किराम का था, जो फ़िक्र असहाब किराम की थी, क़ुरान ने जिनका ईमान हमारे लिए मेयार करा दिया। अब यहाँ अगर हम हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा करें या हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा करें या तो हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का या तो किसी और सहाबी का, तो ये दिफा दरअसल क़ुरान मजीद की आयत की रोशनी में है। सूरह बकरा के बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह ने क्या कहा, जब मुनाफिकीन ने असहाब किराम के ताल्लुक से कहा था अनुमिनु कमा आमना सुफहा, कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लेकर आए, यानी उन्होंने नाउस बिल्ला असहाब किराम को बेवकूफ़ कहा था, क़ुरान ने उसका रद्द किया, कहा कि नहीं, नबी के सहाबा बेवकूफ़ नहीं है बल्कि ये मुनाफिकीन बेवकूफ़ है। तो जिस जमात का रद्द और दिफा क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला करता है, तो हमें क्यों ना उसका दिफा करने का हक हासिल होगा। ये हमारी अकीदत व मोहब्बत है असहाब किराम के ताल्लुक से। अगर किसी एक सहाबी के ताल्लुक से भी कोई शख्स ये दावा करे या उनके मकाम को गिराने या उनकी सहाबियत के पर एतराज़ करने की जुरत करता है, उसके दिफा की जिम्मेदारी अहल सुन्नत वल जमात के हर फर्द के पर है। अगर ये चीज़ हम नहीं करते तो हम सहाबा से वैसी मोहब्बत नहीं करते जैसा कि हमें करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सहाबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम चीज़ों की मोहब्बत पर अल्लाह तबारक व तआला के बाद गालिब हो, उसके बाद असहाब किराम की मोहब्बत है। यानि दुनिया में हमारे माँ बाप, भाई, रिश्तेदार, हमारी ज़ात कुछ भी हो, हर किसी से बढ़कर असहाब किराम की मोहब्बत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स हमारे बाप के पर, हमारे भाई के पर, माँ या किसी भी रिश्तेदार के पर एतराज़ करता है, तो हम क्या करते हैं? बढ़ चढ़ कर दिफा करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें अपने इन करीबी रिश्तेदारों के ताल्लुक से ऐसी मोहब्बत है, तो इससे कहीं ज़्यादा शदीद और अहम मोहब्बत असहाब किराम की होना चाहिए कि अगर कोई उनकी ज़ात के पर अंगुष्ट नुमाई करे तो ये हमें गवारा नहीं है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये असहाब किराम के लिए दरवाज़ा हैं। अगर इस दरवाजे को खोला गया तो बकिया तमाम असहाब किराम के पर लानोतान का सिलसिला दराज होगा। तो लिहाजा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा करना, उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। ये दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए, ये खुला तो बाकी तमाम असहाब किराम उसकी इज्जत में आएंगे। कैसे आएंगे? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बनाने वाले, मुल्क शाम का जिम्मेदार बनाने वाले कौन? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब उस चीज़ को बाकी रखने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब इन लोगों पर एतराज़ आएगा, इसलिए कि उस जिम्मेदारी को देने वाले ये दोनों सहाबा थे। हज़रत उमर फारूक ने जिम्मेदार बनाया, हज़रत उस्मान गनी ने उसको बाकी रखा। अब हज़रत उमर फारूक के पर जब अंगुष्ट नुमाई होगी तो उनको खलीफा बनाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये एतराज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक तक जाएगा, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पर जब एतराज़ का दरवाज़ा खुलेगा तो फिर उम्मत बाकी कहाँ बचेगी? अब आगे जो बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तिर्मिज़ी की वो रिवायत भी हमेशा याद रखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी उम्मत के पर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा खौफ और ख़दशा महसूस किया था वो था इन्नमा अखाफु अला उम्मती अलअइमत अलमुदिल्लीन, मुझे अपनी उम्मत के पर गुमराह करने वाले इमामों का बहुत ख़दशा है, ख़तरा बहुत ज़्यादा है। ये लोग दरअसल अकेले गुमराह नहीं होते बल्कि अपने पीछे पूरी जमात को, पूरे गरोह को लेकर जाते हैं। आज आप देखिएगा बिदात और खुराफा, चाहे वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की बात कीजिएगा या बिदतियों के इमामों की बात कीजिए, ये दुनिया से चले गए लेकिन आज भी करोड़ों की तादाद में इनके फॉलोअर, इनकी बिदात और शिरकियात के पर अमल करने वाले लोग मौजूद हैं। यानी ये अकेले गुमराह नहीं हुए बल्कि करोड़ों की तादाद को अपने साथ लेकर गए, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़तरा पेश किया था वो यही है, ये अकेले गुमराह नहीं होते, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जाते हैं। अभी जदीद दौर का जो फितना है, ये फितना पाकिस्तान का एक शख्स है जो आलिम नहीं है, वो इंजीनियर है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इससे पहले एक बड़ा फितना पैदा हुआ था, वो भी मिर्ज़ा था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के पर डाका डाला। और ये मिर्ज़ा है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पर डाका डाला। मामला सिर्फ हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं है बल्कि इसने ना अबू बकर सिद्दीक को छोड़ा, ना हज़रत उमर फारूक को, और हज़रत उस्मान गनी का तो सवाल ही नहीं होता। तो ये मामला है इसका। शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा था, क्या कहा था, लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूँगा। अब शैतान को पता है सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले जन्नत में जाएंगे, तो उसी जगह के पर वो अपना जाल लगाएगा, उसी के पर वो खेल खेलने की कोशिश करेगा, बाकी सारे रास्तों के पर उसे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो ऑलरेडी गुमराही के रास्ते हैं, उसके पर क्यों मेहनत करेगा, मेहनत उसे सिरात मुस्तकीम पर करना है। चुनांच वो सिरात मुस्तकीम के पर अपना जाल डाल के बैठा है। अब शैतान इस राह के पर बैठेगा तो ऐसे नहीं है कि कोई भयानक सूरत लेकर, डरावनी शक्ल लेकर बैठेगा, लोग देखते साथ डर जाए कि नहीं ये शैतान है भागो, नहीं, बल्कि वो रूप किन लोगों का धारण करेगा, उलमा का, अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तबे सुन्नत बताएगा, अपने आप को बहुत बड़ा कुरान और हदीस का जानकार बताने की कोशिश करेगा ताकि लोग इस बुनियाद के पर उसकी तरफ लपकें। और वही काम इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने किया। सबसे पहले इसने क्या किया, नमाज के पर डेढ़ दो घंटे की खूब अच्छी वीडियो बनाया, बुखारी मुस्लिम में सारे दलायल की रोशनी में उसने बातें पेश की। अब इसके फॉलोअर कहते हैं देखो ऐसी क्लिप, ऐसी वीडियो तो किसी ने नहीं बनाई, जो काम इसने किया आज तक किसी ने नहीं किया। अब यही एक चीज लेकर उसके पीछे भागने लगे, जबकि ये उसका जाल था, उसने जाल बिछाया था। शुरू शुरू में बातें पेश कर रहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में फजीलतें बयान कर रहा है, हजरत अमीर माविया की फजीलतें बयान कर रहा है, असहाब इकराम की मसाइल बयान कर रहा है, तो वो मसाइल जो उमूमी तौर के पर कुरान और हदीस से साबित है, और लोग उसके फॉलोअर बनते चले गए। लोगों को पता नहीं है कि वो अपने जाल बिछा रहा था ताकि जितने ज्यादा शिकार होंगे, जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतने ज्यादा लोगों को शिकार किया जाएगा। और उसने वो काम किया। जब उसने देखा कि मेरे मानने वालों की बहुत बड़ी तादाद आ गई, उसके बाद फिर उसने अपने फितनों के पर पसारने शुरू किए, पैर पर फैलाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उम्मत के अंदर हवाले के नाम के पर और सही अहादीस के गलत नताइज बयान करके, गलत मफहूम बयान करके उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की। अब जब इन चीजों को बयान किया जाता है तो इनके मानने वाले मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये चंद मशहूर चीजें जो उसने बयान की है, उसके पर बात तो आएगी। मैं पहले कुछ चीजें जो वाज़े तौर के पर उसके बयानात से अखज़ की गई हैं, जहां पर असहाबे किराम की शान में उसने गुस्ताखियां की है, उसके पर मैं हल्का तबसरा कर दे रहा हूं, ताकि दो अहम मसले हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों के सामने हाईलाइट होता है। एक तो हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तक्तुलुहु अल्फियतुल बागिया, के अम्मार तुम्हें एक बागी गरोह कत्ल करेगा, शहीद करेगा। और दूसरा
हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला ने मिंबर के पर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला को उसकी जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, कुफ्र को नकल करना कुफ्र नहीं होता है, कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला ने मिंबर के पर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला को गाली देना शुरू किया। ये 60 साल तक सिलसिला जारी था, ये इसकी तफसील बहस आगे आएगी। अब इसने जो बातें रखी हैं बहुत सारी गुस्ताखियां हैं, मैं चंद गुस्ताखियां कोशिश करूंगा आपके सामने पेश करने की। सबसे पहले सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करते हुए क्या कहा, कहा ये उसके जुमले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद असहाब किराम ने इत्तेफाक राय से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को खलीफा मुंतखब किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बारे में कहता है कि सकीफा बनु सायदा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का इंतखाब, उन्हें खलीफा बनाना बहुत बड़ी गलती थी। अब गलती अगर तुम कह रहे हो, इसका मतलब है कि नाउज़ बिल्ला पूरे सहाबा गलत थे, यानी राफजियों की तरह इसने पूरे सहाबा के पर अंगुश्त नुमाई की। और जो जो मुद्दे लेकर ये आता है, जो जो बातें ये बयान करता है, हकीकत में ये राफजियों की है। हजरत अमीर माविया के पल्लानुतान करना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला को रूहानी खलीफा, पहला खलीफा पेश करना, ये भी दरअसल राफजियों का ही मसला है। यानी वो राफजियत को अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान लाकर दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कह रहा है कि बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वजह से उम्मत की बर्बादी और खूबेजी भी, नाउज़ बिल्लाह। यानी सारे असहाब किराम को मुजरिम बता रहा है कि अगर सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का इंतखाब करने में गलती नहीं करते, वहां इसके अपने कहे के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह तआला को खलीफा बनाते तो ये खूरेजी नहीं होती। यानी बुनियाद तमाम असहाब किराम की गलतियां हैं। आगे इसीलिए तो कहता है कि इस्लाम की असल सियासी रूह के मुताबिक खिलाफत सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह तआला का हक थी। साफ कह रहा है, वही जबान जो शिया बोलता है, वही फिक्र जो राफजियों के ज़हन दिमाग के अंदर है, ये अली मिर्जा बयान कर रहा है। मैं शुरू में कहा कि ये आलिम नहीं है और इसे अरबी पढ़ना भी सही तरीके से नहीं आता है। कभी आप इसकी तकारीर है जो सोशल मीडिया के पर, आपने कभी इसको खुतबा देते हुए नहीं सुना होगा, कभी आम लोगों के अंदर पब्लिक में बयान देते हुए नहीं सुना होगा। ये चोरों की तरह एक मखसूस कमरे के अंदर बैठकर चंद हवारियों के साथ, हवारी नहीं करना चाहिए, पंटरों के साथ ये अपनी वीडियोस लोगों के दरमियान नशर करता है। और ऐसे लोगों को बातिल कुव्वतें बाकायदा माली फंड देती है, अफराद देती है, यहां तक के सोशल मीडिया के पर भी इसके फॉलोअर्स हैं। आप अभी देख लीजिएगा, इसके ताल्लुक से आप कोई बयान डालिए इसके खिलाफ में, इसके रद्द में, फौरी तौर के पर आपके यूट्यूब साइट के पर लोग आएंगे और आपका दिफा करेंगे और आपकी, आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, आपकी तकरीरों को कंडम करने की कोशिश करेंगे। ये जारी है। अभी एक खुतबा सिर्फ उसके ताल्लुक से दिया, आप देखिए कितने लोगों ने उसके बारे में कमेंट किया। ये टीम है इसकी, बाकायदा अफराद तैयार किए गए, जिस तरह दज्जाल के लिए बाकायदा पूरी टीम है और उसके पूरे मिशन को चला रही है, इसी तरह वक्त के इस दज्जाल के साथ भी पूरी टीम है जो अपना फितना फैलाने के अंदर किरदार अदा कर रही है। अब यहां पर आगे देखिए क्या कहता है, उसके क्लिप का टुकड़ा है कि अल्लाह ताला तमाम सहाबा से राजी नहीं था नाउज़ बिल्ला, बल्कि सिर्फ 1400 असहाबे किराम जो बैअत रिजवान के वक्त मौजूद थे, यानी जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने ये मक्का गए, जिन्हें सफीर बनाकर भेजा गया था हुदैबिया के मौके पर, और वो वापस नहीं आए, अफवाह उड़ी कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की बैत ली थी कि हम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने की शहादत का बदला लेंगे। इतना ज्यादा हजरत उस्मान गनी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल था। और सफीर को कत्ल करना बहुत संगीन जुर्म होता है, और यही मुतालबा जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को हकीकत में शहीद कर दिया गया और वो भी मसलूमाना तौर पर, 40 दिन तक उनके अपने घर में भूखा प्यासा रखा गया था और उसके बाद उन्हें यूं ही नहीं मारा गया, कुरान के पढ़ते वक्त जब वो कुरान अल्लाह के कलाम से अपना राब्ता जोड़कर रखे हुए थे, तो ये बलवाई, ये बागी जिनके बारे में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तक्तुलहु अल्फियतुल बागिया, कि तुम्हें बागी करो, सरकश करो, कत्ल करेगा, शहीद करेगा,
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी उसी गरोह ने शहीद किया था जो गरोह हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जिम्मेदार है, जैसा कि आगे दलाइल आएंगे इंशाअल्लाह। तो ये 1400 सहाबे किराम, वो कहता है कि कुरान मजीद ने सिर्फ इन्हीं के बारे में कहा, लकद रजी अल्लाह अनिल मुमिनीन इज़ युबायउनका तहता शजरा, कि अल्लाह उन मोमिनों से राजी हुआ जब आप दरख्त के नीचे उन लोगों से बैत ले रहे थे। अब वो जो 1400 सहाबे किराम थे उन्हीं के बारे में है। अब जब ये कहा जाता है सूरह फतेह के बाद, मक्का फतेह होने के बाद सूरह हदीद की आयत नाज़िल हुई, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम असाबे किराम से हुस्ना का यानी जन्नत का वादा किया। हुस्ना जन्नत को कहा जाता है इसलिए कि जन्नत सबसे हसीन है। तो वो कहता है इस आयत के जवाब में, ये कयामत के दिन का फैसला जो अल्लाह तबारक व ताला करने वाला है, ये नालाए के जाहिल दुनिया में नाउज़ बिल्ला अल्लाह तबारक व ताला के इख्तियारात को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि नहीं, ये तमाम सहाबा जन्नत में ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि अपने गुनाह, अपनी गलती और अपनी खताओं की सजा भुगतेंगे, उसके बाद जन्नत में जाएंगे। नाउज़ बिल्ला, इतना बड़ा फैसला, तू जानता है कि किसको सजा देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए। इसकी जसारत सिर्फ राफजियत की बुनियाद पर है और इसने अपना सारा हरबा सिर्फ असहाबे किराम के पर इस्तेमाल किया। यह सिर्फ हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का मसला नहीं है या हजरत अम्र बिन आस, मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हु नहीं, बल्कि यह पूरी जमात सहाबा को टारगेट करता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, हजरत मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जो फतवा है कुरान मजीद की आयत के ज़िम्न में सूरह फतेह के, अल्लाह ने क्या कहा, लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, असहाबे किराम के बारे में है कि सहाबा को देखने के बाद कुफ्फार को गुस्सा आता है, वो गजब में आ जाते हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर कोई किसी सहाबी से जलता है, उसकी तनकीज करने की कोशिश करता है या सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, वो काफिर है। और इसी आयत को बतौर इस्तदलाल पेश किया, कुरान कहता है कि सहाबा को देखकर कुफार को गुस्सा आता है। तो यकीनी बात है कि जो सहाबा को देखकर जलेगा, जिसको सहाबा के ताल्लुक से मोहब्बत नहीं होगी, वो काफिर होगा। सिर्फ कुफार की अलामत है, मोमिनों की अलामत नहीं है। इस बुनियाद के पर वाज़े हुक्म इन लोगों के ताल्लुक से जो भी किसी भी एक सहाबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान ने साफ कहा कि कुफार इन लोगों से जलते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है, इतना अजीब व गरीब मसला कि अगर किसी एक आम मुसलमान को यह बात बता दीजिए वो तस्लीम ही नहीं करेगा, लेकिन इसके फॉलोअर मानते हैं। ये क्लिप मैंने खुद देखी थी जो चीजें बयान की जा रही है। वो कहता है कि नाउज़ बिल्ला, आज के मुसलमानों को जो मोबाइल में देखकर कुरान मजीद पढ़ते हैं, सहाबा से ज्यादा सवाब मिलता है। कैसे? वो कहता है सहाबा के सामने तो कुरान तख्तियों में लिखा हुआ नहीं था, उनके हाथों में नहीं था, वो ज़बानी पढ़ा करते थे। आज एक मुसलमान कुरान अपने सामने देख रहा है यानी देखने का सवाब, मोबाइल हाथ में पकड़े हुए पकड़ने का सवाब, यह उसकी मंतिक। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे जाहिलों से बचकर रहना चाहिए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने इसीलिए अहले राय यानी जो अपनी अक्ल को दीन में इस्तेमाल करते हैं, कुरान और हदीस के मुआफिक इनकी राय नहीं होती, बल्कि अपनी राय को कुरान और हदीस को अपनी राय के मुआफिक बनाने की कोशिश करते हैं। यही जहालत लोगों के दरमियान बांटते हैं और इसके फॉलोअर समझते कितना बड़ा अल्लामा है, बल्कि इन फॉलोअर्स की जहालत का मातम करना चाहिए। इन्हें यह नहीं समझता कि ये यूट्यूब के पर आने वाला, सोशल मीडिया के पर आने वाला ये आलिम कैसे हो सकता है जिसे कुरान मजीद सही तौर से नहीं पढ़ना आता, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नहीं पढ़ना आता, अरबी का जानकार नहीं है सही तौर के पर। उसकी वजह बताऊंगा। ये दूसरों के तर्जुमे ले लेकर कहता है, देखो तर्जुमे के अंदर है वो पेश कर रहा हूं। इसका मतलब ये है, देखिए तर्जुमे का अल्लामा वहीदुस्समा, दरअसल उनके ज़माने की जो उर्दू थी, उर्दू के अंदर भी आप देखिए काफ़ी फ़र्क होता है। अगर आप 50 साल पुरानी उर्दू देखिए उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है। हर किसी के उर्दू लिखने का अंदाज जुदा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की आप तफासिर पढ़िए, उनके बयानात है, उनके मसामीन, वो फसाहत और बलागत के बहुत ऊँचे मेयार की होती है।
लेकिन उससे पहले की उर्दू आप देखिए काफ़ी फ़र्क होता है, अल्फाज की अदायगी में, जुमलों की ताबीर में काफ़ी फ़र्क होता है। और अल्लामा वहीदुज़्ज़मा ये पहले हनफी थे, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अहलेहदीस हुए, और इनका पुराना तर्जुमा जो है बुखारी का, जिसमें उर्दू की ताबीरात में काफ़ी खामियाँ हैं और उनके अपने वक्त के अतबार से थी, और बाद में जिसके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ लाई गईं उसे पेश करता है और उसके बाद लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। तो ये इतना अजीब व गरीब इंसान कि नाउज़ बिल्लाह असहाबे किराम से ज़्यादा, जबकि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी फजीलत बयान की सहाबा के ताल्लुक से कि बुखारी मुस्लिम दोनों की है कि अगर तुम में का कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे तो सहाबी के एक मुद या आधे मुद की बराबरी नहीं कर सकता। एक मुद 700 ग्राम का होता है, 350 ग्राम आधा मुद हुआ, कहा कि 700 या 350 ग्राम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहाँ ओहद पहाड़ जो कि कई किलोमीटर के पर फैला हुआ है वो सोने में तब्दील हो जाए तब भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ कुरान हाथ में लेने के बाद नाउज़ बिल्लाह असहाबे किराम की तरह, यहाँ मामला वो नहीं है। बताना मकसद ये है कि नाउज़ बिल्लाह असहाबे किराम उस मकाम के नहीं थे, असहाबे किराम की अजमत के पर धब्बा लगाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। अब यहाँ एक और रिवायत मुस्लिम की है, वो रिवायत सबको पता है कि हौज़े कौसर के पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को जामे कौसर देंगे, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी आएंगे जिनके आज़ाए उज़ू को देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे कि मुसलमान है, मेरे सहाबी है, साथ थे। लेकिन सहाबा वहाँ फरिश्ते कहेंगे कि आप नहीं जानते कि आपके बाद इन लोगों ने कौन सी बिदात अंजाम दी थी, दीन को तब्दील कर दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे सुहकल सुहकल लिमन गैर अबादी, दूर करो इन लोगों को जिन्होंने मेरे दीन को तब्दील कर दिया था। तो यहाँ नाउस बिल्ला वो असहाबे किराम को टारगेट करता है, कहा कि देखो नबी सहाबी कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक होता है सहाबी का मतलब साथ में रहने वाला, अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाफिकीन भी थे, क्या उनको सहाबी कहते हैं हम? नहीं। तो सहाबी कहने का मतलब ये नहीं होता है कि नाउस बिल्ला वो सहाबी है जिनकी फजीलत आपने बयान की है, बल्कि ये साथ में थे लेकिन ये सहाबा नहीं थे, सिर्फ जाहिरी तौर के पर साथ में थे लेकिन हकीकत में दीन के पर कायम नहीं थे। इसी बुनियाद के पर उन्होंने बिदात को अंजाम दिया, दीन को बदलने की कोशिश की, वरना नबी के सहाबा तो दीन के मुहाफिज थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने मस्जिद नबी के अंदर कुछ लोगों को हाथ पर कंकरिया लेकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते देखा तो बर्दाश्त नहीं किया, उन्हें बाहर कर दिया, निकलवा दिया मस्जिद के बाहर किया। वो दीन के मुहाफिज थे ना कि दीन को तब्दील करने वाले थे। ये फर्क याद रखिएगा, ये शुबहात के जरिए उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करता है। यहां चंद अहम चीजें और हैं, मैं उसको बयान कर देना मुनासिब समझता हूं। एक चीज जिसे लेकर ये खास तौर से बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये है गदीर खुम का मामला। गदीर खुम एक मकाम का नाम है, मैं पूरा बैकग्राउंड बता दूं ताकि बात समझ में आए, लोग गुमराह करने के लिए कोशिशें करते हैं। गदीर खुम ये मदीना से करीब एक मकाम है, यहां पर आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने वहां आकर मुलाकात की थी। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने को अपने साथ में लेकर कहा था कि मन कुंतु मौलाहु फअलीयुन मौलाहु, कि मैं जिसका मौला यानी साथी मददगार, मौला का मतलब होता है साथी मददगार, इसका भी कई अलग अलग माना होता है, तो यानी मैं जिसका मौला मददगार हूँ तो हजरत अली भी उसी के मददगार है, उनकी फजीलत और उनको लोगों के सामने इज्जत और एहतराम देने के लिए आपने कहा। अब कहते हैं कि देखो इससे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत साबित होती है, इससे कहाँ साबित होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तकरीबन बहुत सारे असहाबे किराम की फजीलत बयान की, हजरत उमर फारूक के ताल्लुक से कहा इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है, खिलाफत की बात करते हो, हजरत उमर के ताल्लुक से तो आपने नबूवत की बात की, जैसा कि तिर्मिज़ी की रिवायत में लौकान अबाद नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद बिलफर्ज कोई नबी होता तो उमर नबी होते, अब इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है? उसके बाद भी वह हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद खलीफा बने, तो क्या इस हदीस को लेकर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी कई फजीलतें बयान की उमर फारूक के ताल्लुक से। हजरत उमर फारूक मुलहम थे, मुहदस थे, यानी अल्लाह तबारक व ताला की मंशा और चाहत के मुताबिक मुतालबात किया करते थे। वो जो चाहते थे और जो मुतालबात थे अल्लाह ने उसको शरीयत का हिस्सा बनाया। पर्दे के ताल्लुक से मुतालबा किया, पर्दे की आयत नाजिल भी, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने के बारे में मुतालबा किया, अल्लाह ने उसको मुसल्ला बना दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। शराब के बारे में हुरमत का मुतालबा था, वो चीज हो गई। इतनी बड़ी बड़ी फजीलतों के बावजूद क्या हम उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा तस्लीम करेंगे? नहीं। लेकिन यहां एक रिवायत को बुनियाद बनाकर सारी राफजियत, शियत और ये इंजीनियर सारे उसी के पीछे लगे हुए हैं। मामला क्या था? मामला ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज वदा, एक ही आपने हज अदा किया, हज्जतुल वदा के मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने को मदीना की जिम्मेदारी दी कि तुम मदीना संभालो, हम हज के लिए जा रहे हैं। आपके साथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हज नहीं किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की जिम्मेदारी उनको दी थी। अब मदीना में कुछ लोग कहने लगे, अब ये तनकीदें बड़ी अजीब व गरीब होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना भी इससे खाली नहीं था, मुनाफिकीन भी रहा करते थे वो अलग, लोगों को परेशान मनफी ख्यालात पेश करना ये मुनाफिकीन का हमेशा सेवा रहा, और मुसलमानों के दरमियान झगड़े लगाना ये मुनाफिकीन का सेवा, उनके हौसलों को पस्त करने की कोशिश करना ये मुनाफिकीन का सेवा। चुनांचे उन लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला को भी कहा, ये क्या बात हुई कि अल्लाह रसूल, इतना बड़ा पहला हज था, सारे सहाबा 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद है, तुमको नहीं लेकर गए, इसका मतलब तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। अब ये चंद बातें सुनने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने दिल बर्दाश्त हो गए, और आप जब खुम के मकाम पर थे तो वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की कि देखिए लोग मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हौसला अफजाई के लिए बात कही थी ताकि जो दिल शिकनी भी है वो खत्म हो जाए। ये असल मफहूम था, ना कि आप उन्हें खलीफा बनाने के लिए इस तरह की बात कह रहे थे। एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला की दिलजोई के लिए क्या कहा था कि जिस तरह आप मदीना में उन्हें छोड़कर जा रहे थे और आप बाहर निकल रहे थे, हजरत अली को यह बात थोड़ा सा फील भी कि आप मुझे मदीना क्यों छोड़ रहे हैं, तो आपने उनके लिए हौसला अफजाई के लिए, दिल रखने के लिए और उनके मकाम को बयान करने के लिए कहा कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हारून थे उसी तरह तुम मेरे लिए हो। यानी हजरत हारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें बनी इसराइल के साथ छोड़कर गए कोहे तूर के पर ताकि अल्लाह का पैगाम लेकर आए, उसी तरह तुम्हारी भी अहमियत है, मैं तुम्हें यहां जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं अल्लाह के दीन के लिए। ये फजीलत बयान करना मकसूद था, ना कि आगे चलकर किसी ओहदे के बारे में जिम्मेदारी दी जा रही है। तो इन चीज़ों को बुनियाद बना बनाकर लोगों ने नऊज़ बिल्ला हजरत अली रजी अल्लाह तआला के ताल्लुक से, जिस तरह ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम में ऐसी चीज लाई जो के खिलाफ सुन्नत थी और वो चीज़ जो उनके अकीदत और उनके मकाम के मुताबिक नहीं थी, ये सारी चीज़ें उनके फितने का सबब बन गई। तो ये असल में हजरत अली रजी अल्लाह तआला की फजीलत से ताल्लुक से ये अहम बात थी जिसको लेकर ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ एक जुमला ये भी कहता है कि नाउज बिल्ला हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला को नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी से निकाल दिया था, नाउज बिल्ला। एक और बात के फतेह मक्का के पर जो मुसलमान हुए थे, नाउज़ बिल्ला उन सहाबा के ताल्लुक से क्या कहते हैं, कितनी जसारत इसके अंदर। कहते हैं कि सब तलवार के डर से मुसलमान हुए थे, जान बचाने के लिए मुसलमान हुए थे, ये दिल से मुसलमान नहीं थे, ये है इसकी फकाहत, ये उसकी जसारत। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सोशल मीडिया के पर भी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है, मैंने सिर्फ नमूने के तौर पर इस चीज को पेश किया था। अब यहां मैं 2 अहम चीजों को बयान करके अपनी बात को मुकम्मल कर देता हूं। हदीस अम्मार को बुनियाद बनाया जाता है। आज भी आप देखिए कि इन लोगों के वॉलपेपर के पर बुखारी की हदीस 2812, ये वही हदीस है जिसमें हजरत अम्मार रदी अल्लाह तआला की शहादत का तस्करा है। ये ट्रेंड चलाते हैं। अब ये रिवायत क्या है, मैं आपको पहले रिवायत पेश कर दूं और उसके बाद उसके बारे में जो बातें हों बयान करना इंशाल्लाह। ये रिवायत सही बुखारी की है, 2812 नंबर।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये अपने दोनों साहबजादे अली बिन अब्दुल्ला इन्हें भेजते हैं कि तुम हज़रत अबू सईद खुदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में जाओ और उनसे अहादीस सुनो। चुनांचो ये गए, उस वक्त हज़रत अबू सईद खुदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रज़ाई भाई के बाग में थे और बाग को पानी दे रहे थे, सैराब कर रहे थे। जब आपने हमें देखा तो हमारे पास तशरीफ़ लाए और चादर ओढ़कर गोट मारकर पालती मारकर बैठ गए। उसके बाद बयान फरमाया, हम मस्जिद नबी की ईंटें हिजरत नबी के बाद मस्जिद तामीर करने के लिए एक एक करके ढो रहे थे, अपने कांधे के ऊपर रख रहे थे, ले जा रहे थे, लेकिन अम्मार रज़ी अल्लाह तआला ने दो दो ईंटें उठाकर ले जा रहे थे। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे और उनके सर से गुबार को साफ किया और फिर फरमाया, अफसोस अम्मार, तुम्हें एक बागी गरो बागी जमात शहीद करेगी। ये तो उन्हें अल्लाह की इताअत की तरफ दावत दे रहे होंगे लेकिन वो उन्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। ये पूरी रिवायत है बुखारी की। अब जंग सिफ़मीन, ये भी एक बड़ा मसला है कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वाक़ईतन जंग सिफ़मीन में हुई है या नहीं। मशहूर है इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ जैसा कि बाज़ रिवायतें मिलती है लेकिन उसकी सेहत के बारे में बाज़ लोग कलाम करते हैं। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग सिफ़मीन में चलिए शहीद हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल की थी। अब शहादत के बाद मसला ये था कि चूंकि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शुरू से ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हुए थे, दोनों में बहुत गहरे मरासिम थे, मोहब्बत अवलीन मुसलमानों के अंदर ये शामिल थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग में शरीक हुए और उसके बाद शहीद हुए। अब चूंकि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से थे और सामने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जंग सिफ़ीन में, सिफ़ीन एक मकाम है वहां पर ये जंग लड़ी गई थी। अब चूंकि ये हजरत अली के साथ थे और शहीद हो गए, मुकाबले में हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, लिहाजा ये लोग कहते हैं कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथ में रहने वाले कौन हुए, बागी बागी गरो। और ये जन्नत की तरफ बुला रहे थे हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके गरोह वाले उन्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे थे, नऊज़ बिल्लाह। ये हदीस के माना और मफहूम को ज़बरदस्ती वहाँ लाकर चस्पा करने की कोशिश की जाती है, जबकि इसी रिवायत को, जो बुखारी की रिवायत है, मुस्तदरक हाकिम के अंदर कुछ तफसील है। इसकी इब्तिदा में तफसील क्या है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे अली को भेजा था कि जाकर खारजियों के बारे में हज़रत अबू सईद खुदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मालूम करो, और उसके बाद उन्होंने ये हदीस बयान की। यानी उसके अंदर वाजे हो जाता है कि वो खारजियों के ताल्लुक से है, ना कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से। बात खत्म हो गई, ये हदीस के अंदर वजाहत हो गई कि दरअसल वो खारजी होंगे जो लोग हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी नहीं ना हजरत अली के साथ थे, और यही खारजी और सबाई टोला था जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में खड़ा हुआ और उनके खिलाफ बगावत की, उन्हें शहीद किया और आगे चलकर इन लोगों ने हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद किया। ये बात है। अब यहां एक बहुत अहम चीज, हजरत अब यहां ये जो बागी की इस्तिलाह वो समझना जरूरी है। इस्तिलाह के अंदर बागी उसे कहते हैं वो जमात जो एक मुत्तफ़का खलीफा की बयत करने के बाद उसकी खिलाफत का इनकार कर दे और उसकी इताअत से निकल जाए, उसको बागी कहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत से बगावत की थी? हदीस देखते हैं समझ में आ जाएगा कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इख्तिलाफ खिलाफत के पर था या किसी और चीज़ के पर था। एक रिवायत जिसे सियर आमाल आलमीन नुबला में सही सनद के साथ नकल किया गया है, अबू मुस्लिम खौलानी और कई ताबईन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और उनसे कहा, आप सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तनाज़ा करते हैं, क्या आप उन जैसे हैं, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह? तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा, अल्लाह की कसम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझसे अफजल हैं, बेहतर हैं और इस खिलाफत के मामले में मुझसे ज़्यादा हकदार हैं। साफ कह रहे हैं, यानी
वो मकाम में भी फजीलत रखते हैं, खिलाफत के भी मुझसे कहीं ज्यादा हकदार है, लेकिन तुम जानते हो कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मसलूमाना शहीद किया गया है और मैं उनका चचाजाद भाई हूँ और उनके किसास का तलबगार हूँ। किसास का मुतालबा कौन करता है? जो मकतूल के करीबी रिश्तेदार होते हैं। अब चूंकि मैं उनका चचाजाद भाई हूँ, मेरी करीबी रिश्ते नस्बत है और ये रिश्तेदारी की बुनियाद के पर मुतालबा कर रहा हूँ कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का इंतकाम लिया जाए, किसास लिया जाए। जितने लोग भी शरीक थे उन लोगों को किसास के तौर के पर कत्ल किया जाए, ये कोई मामूली जुर्म नहीं था। अब यहां पर वो बात फिर याद कीजिए, बयत रिजवान वाली, जब आपकी शहादत की झूठी खबर फैली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 असहाबे किराम के हाथ के पर बयत ली और अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ बताया, कहा कि ये उस्मान का हाथ है, बयत करो, और अल्लाह उन तमाम सहाबा से राजी हुआ। अब यहां हकीकी तौर के पर शहादत हुई तो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला ने क्यों नहीं उसके बारे में मुतालबा करते? ये नहीं मुतालबा करते तो कौन मुतालबा करता हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने के किसास का? अब यहां एक सवाल, खिलाफत और किसास यानी हुकूमत और किसास, इन दोनों चीजों में ज्यादा अहमियत किस बात की है? ज्यादा अहमियत किसास की है, इसलिए कि अल्लाह की हद को नाफिज नहीं करना ये अल्लाह के गुस्से और नाराजगी का सबब है। ये बात ज्यादा अहमियत रखती है। तो मुतालबा किस चीज का था? किसास का। और ये बागी, ये कातिलीन बाकायदा, चाहे वो मोहम्मद बिन अबी बकर हो, ये तो वाज़े तौर के पर कह रहे थे कि हां मैंने उस्मान गनी को शहीद किया है, वाज़े तौर के पर, ऐसा नहीं था कि कोई इल्जाम था, खुले तौर पर कहते थे कि मैंने उस्मान गनी को मारा है, खुले तौर पर। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने जो भी उनकी हिकमत रही होगी, मसलहत रही होगी, उन्हें उन्होंने पोस्ट दे रखी थी, जिम्मेदारी दे रखी थी फौज के अंदर, और भी एक थे, तो कई लोग ऐसे थे तो जो हकीकत में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने के कत्ल में, उनकी शहादत में शरीक थे, उन लोगों को फौज के अंदर जिम्मेदारियां दी गई थी और वो ओहदा संभाले हुए थे। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला ने का कहना यही था, कह रहे थे कि मैं हजरत अली के हाथ के पर बैत करने के लिए तैयार हूं, बस शर्त यह है कि इन कातिलों को मेरे हवाले कर दिया जाए, तुम अगर सजा नहीं दे सकते मैं देता हूं, इसलिए कि मैं उनकी तरफ से जिम्मेदार हूं, मैं उनका भाई हूं। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने, जैसा कि ये रिवायत के अंदर है, कहते तुम अली रजी अल्लाह तआला के पास जाओ और उनसे कहो कि कातिली ने उस्मान को मेरे हवाले कर दे, फिर मैं खुद उनके हाथ पर बैत कर लूंगा। यानी यहां पर वो बागी थे ही नहीं। बागी कब होते? जब उनकी खिलाफत को नहीं मानते या उनको अपने से छोटा समझते, यहां बड़ा भी समझ रहे हैं और उनकी खिलाफत को तस्लीम भी कर रहे हैं कि मैं खिलाफत के पर बयत करने के लिए तैयार हूं, बस कातिली ने उस्मान को मेरे हवाले कर दिया जाए, तो ये बागी गरोह कैसे होगा, समझाइए मुझको। अब ये जाहिल मिर्जा कहता है कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला ने और उनकी जमात बागी गरोह है, वो जहन्नम की तरफ दावत देने वाले हैं और उम्मत के लोगों ने इन सारी चीजों को छुपाया, किसी ने नहीं छुपाया, बल्कि जितने सही अंदाज में उम्मत के उलमा ने इन चीजों को पेश किया है किसी ने पेश नहीं किया। अब यहां पर ये बात बहुत अहम है, ये जाहिल गलत तरीके से लोगों को बयान करता है, दूसरी बातों को लाता है। ये कहता है, इसी मुद्दे के पर बात आती है, ये कहता है, पहले तो ये कह रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को अगर कोई सहाबी नहीं माने, चूंकि उनकी सहाबियत का तज़किरा सूरह तौबा में कुरान मजीद ने किया है, इज़ क़ाल लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि जब आपने अपने साथी यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा था, जब आप गारे सौर के अंदर थे, डरो नहीं अल्लाह हमारे साथ है, तो कहा कि कुरान मजीद ने उनकी सहाबियत का इकरार किया है, बात खत्म हो गई। अब अगर कोई उनकी सहाबियत का इनकार करता है तो काफिर है, इसलिए कि वो कुरान मजीद के हुक्म का इनकार कर रहा है। अब दूसरी तरफ क्या कहता है, अगर कोई शख्स सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े और पढ़ने के बाद वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को ना खलीफा माने, ना सहाबी माने, कुछ नहीं माने, और इसी तरह उमर फारूक को भी तस्लीम ना करे, ना उनकी सहाबियत को माने, ना उस्मान गनी को माने, मुसलमान है। वो कहता है कि कलमे में कहां लिखा है कि इन लोगों की सहाबियत, इन लोगों की खिलाफत को मानना है तभी मुसलमान होगे। ये है उसकी गुमराहियां, उसके हथकंडे।
ये इस बुनियाद के पर वो गुमराह नहीं होंगे, काफिर नहीं होंगे कि उन्होंने कलमा पढ़ा। गुमराही इस बुनियाद के पर है कि वो कुरान मजीद का इनकार कर रहे हैं, और कोई कुरान के एक हुक्म का एक आयत का इनकार कर दे, लाजमी बात है कि उसका ईमान सलामत नहीं रहता। कुरान साफ कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। अब अगर कोई शक करता है वो कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों के खिलाफ जाता है, लिहाजा उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगता है। अब यहां पर सही अंदाज की बात जो मैं पेश कर रहा हूं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला हजरत अमीर माविया है, हजरत अम्र बिन आस है, मुगीरा बिन शोबा है, तलहा है, सुबैर है, इन लोगों के ताल्लुक से या जंग जमल है, जंग सिफीन है, अगर कोई मुसलमान नहीं जानेगा नहीं पढ़ेगा तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेगा? क्यों नहीं मुसलमान रहेगा? यानी जो चीज इस्लाम के लिए जरूरी नहीं है वो जरूरी करा देता है, और जो इस्लाम के लिए जरूरी है कि अबू बकर सिद्दीक को मानना होगा, अबू बकर के बाद उमर को, उमर के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को, वो उसे कलाम करार देता है, और जो नहीं मानना चाहिए वो उम्मत के दरमियान लाकर फितना फैलाता है। इसलिए हकीकत में फितना परवर है, ये लोगों के दरमियान इस्लाम नहीं कराना चाहता बल्कि फसाद बर्पा करना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा, जैसा कि बुखारी मुस्लिम दोनों की रिवायत है, लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, कि वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान इस्लाह करने के लिए झूठ बोलता है और खैर की बातों को पेश करता है, शर की बातों को दबा देता है। तो या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसे झूठा नहीं कहा, यहां तो ये अपने झूठ की बुनियाद के पर उम्मत के अंदर इंतशार पैदा कर रहा है। और अजीब गरीब दावा क्या कहता है, ना मैं बाबी ना वहाबी बल्कि मैं मुस्लिम इल्मी किताबी। वाह वाह क्या नारा है, ये वहाबी कहकर अहले हदीसों को टारगेट करता है, ना मैं वहाबी, जबकि वहाबियत कोई फिरका नहीं है, तो अंग्रेजों की तरफ से हमारे पर लगाया गया है, और नादानों ने मंसूब भी किया तो अल्लाह तबारक व ताला की सिफत की तरफ, वहाबियत की तरफ, हमें कहीं और मंसूब नहीं किया। और बाबी बाबाओं की तरफ यानी कब्र परस्त मजारों की तरफ, ठीक है तो उन लोगों को टारगेट किया, उनके शिर्क व बिदात के बारे में कहा, अच्छी बात है, अंबिया मिशन है वो करना चाहिए था, लेकिन वो काम छोड़कर जो नहीं करना चाहिए था वो करने लगा। कहने वाले बहुत प्यारी बात कहते हैं कि अली इंजीनियर मिर्जा को वही आलिम समझता है जो खतना करने वाले को सर्जन समझता है। ये दरअसल जाहिल है, ये आलिम नहीं है, ये फितीन है, फितना परवर है, ये मुसले नहीं है। जैसा कि अंबिया किराम हुआ करते थे, जैसा कि सलफ का तरीका है, तो ये खतना करने वाला अपने आप को सर्जन समझने लगा है, और उसके बाद लोगों के पेट काट रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, सब कर रहा है, दीन खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला के ताल्लुक से वजाहत। हकीकत में इसे बागी गरों ने, वो बागी गरों जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की शहादत का जिम्मेदार था, यही लोग हजरत अमीर माविया की फौज में भी घुस गए, हजरत अली की फौज में भी घुसे हुए थे, और उसके बाद इन्हीं लोगों ने हकीकत में हजरत अम्मार को शहीद किया। उनको पता था, यह हदीस मालूम थी कि हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला को बागी करो शहीद करेगा, चुनांचे उन लोगों ने लोगों को गुमराह करने के लिए हजरत अम्मार बिन यासिर को इस जंग के अंदर शहीद किया, ताकि ये सारा इल्जाम उनके ऊपर से हटकर हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला की तरफ आ जाए। ये हमेशा से बागियों का तरीक़ाकार रहा है, गलतियां खुद करते हैं, खुद गुमराहियां फैलाते हैं, इल्जाम दूसरों के सर के पर डालने की कोशिश करते हैं, सारी शरारतें फितना परवरियां इनकी खुद की होती है, और उसके बाद इल्जाम दूसरों के सर पर डालते हैं, करते खुद है सारा मामला लेकिन दूसरों के नाम के पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जब सहाबा इन सारी चीजों से महफूज नहीं रह पाए तो आज के उलमा और मुस्लिहीन कहां महफूज रह सकते हैं? वही होता है, करने वाला कोई और होता है, बदनाम उलमा को कर दिया जाता है, मुस्लिहीन को कर दिया जाता है। इन लोगों को अल्लाह का डर तो होता नहीं है कि कहां हमारे झूठ और फितना फसाद की बुनियाद के पर अल्लाह हमारी पकड़ करेगा। कुरान ने तो कहा हकीकत में उलमा अल्लाह से डरते हैं, झूठ बोलते हुए फितना फैलाते हुए शर फैलाते हुए उन्हें डर लगता है, लेकिन इन लोगों को जो अल्लाह का इल्म रखने वाले नहीं और ना उलमा होते हैं, बहुत आसानी के साथ अवाम में झूठ फैलाते हैं, शर फैलाते हैं, खुद सारे काम करते हैं और उसके बाद दूसरों के नाम के पर उस बुराइयों को बयान करने की कोशिश करते हैं।
ये असहाब किराम की जमात इससे महफूज नहीं थी, तो फिर आगे के बारे में क्या हो सकता है आप समझ जाइएगा। एक और चीज यहां पर जो बयान की जाती है उसको पेश करके मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से जैसा कि कहा जाता है, अरबी जबान में एक लफ्ज आता है सब्बा, सब्बा। इस जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुस्लिम की रिवायत, सिबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमान को बुरा भला कहना। लेकिन ये जो लफ्ज है इसके कई माना होते हैं सियाक को सबाक के एतबार से। तो ये कहते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला ने मिंबर के पर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला को गालियां दिया करते थे, तो ये वही लफ्ज है जो सब्बा का माना है। अब ये माना क्या होता है, मैं एक हदीस पेश कर दूंगा तो दिमाग इंशाल्लाह खुल जाएगा। बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगते थे। क्या दुआ मांगा करते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगा करते थे, वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा फअय्युमा मुमिनिन सबबतुहु फजअल ज़ालिका लहू कुर्बतन इलैका यौमल क़ियामा। ये बुखारी की रिवायत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ मांगते थे कि अल्लाह जिस मोमिन को भी मैंने सब किया, मैं अरबी जबान का ही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मफहूम आगे बयान किया जाए, जिसको भी मैंने सब यानी डांटा है, आगे वो सारी चीजें आएगी, तो कयामत के दिन उसे उसके लिए कुर्बत का जरिया बना दें। अब यहां ये अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, तो क्या नऊज बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहोगे? यही लफ्ज हजरत अमीर माविया जब इस्तेमाल करते हैं मिंबर के ऊपर से तो कहते हैं कि नऊज बिल्लाह वो गाली दे रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल अपनी दुआ में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्लाह मैंने जिस मोमिन को भी सब किया है, तो क्या वहां नऊज बिल्लाह ये कहोगे अल्लाह के रसूल ने गाली दी? नहीं, बल्कि सब का मतलब होता है कई अलग अलग है, यानी किसी को इख्तलाफ होने के बाद तनकीद करना। अगर अलग अलग मौकिफ वाले हैं, एक का मौकिफ ये है मेरा मौकिफ ये है, जैसा कि अभी मिसाल के तौर पर अली इंजीनियर मिर्जा का मौकिफ ये है कि वह हजरत अमीर माविया साहबा के शान में गुस्ताखियां करता है, मेरा मौकिफ ये है कि नहीं, तमाम असा मेरा नहीं बल्कि तमाम असलाफ इकराम तमाम मुसलमानों का मौकिफ है के असहाबे किराम में से कोई एक भी क्यों ना हो उनकी शान में गुस्ताखी नहीं की जा सकती, अगर वो करता है तो मुसलमान नहीं है। तो ये दो अलग अलग मौकिफ, मैं अपने मौकिफ के ताल्लुक से अपनी बातों को रखते हुए अली इंजीनियर मिर्जा के पर क्या कर रहा हूं, अरबी एतबार से देखा जाए तो सब कर रहा हूं, सिबाब यानी तनकीद कर रहा हूं और उसके दलाइल को बेमाना बेहैसियत ठहराने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये सिबाब है। सिबाब का मतलब सिर्फ गाली नहीं होता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसको तुम क्या कहोगे? और इस चीज के पर अगर आप अहादीस उठाकर देखेंगे बहुत सारी हदीसें मिलेगी, जैसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने ये अपने घर में गए बुखारी की रिवायत में और गुस्से में थे और उसके बाद फसब्बा उन लोगों को डांटा, यहां सब्बा का ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, गाली नहीं दी, डांटा। क्यों डांटा? मसला यह था कि उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए थे और उन मेहमान लोगों के लिए मेहमान नवाजी का इंतजाम करना था और उस मामले में उन्होंने थोड़ा सा सुस्ती और काहली की जिसकी बुनियाद पर उनको डांटा। तो ये लफ्ज इसका माना गलत तरीके से पेश करके उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला की शहादत की आड़ लेकर हजरत अमीर माविया, हजरत यजीद, देगर असहाब किराम, हजरत अम्र बिन आस है, हजरत मुगीरा बिन शोबा, इन सारे लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा मेरे किसी सहाबी को बुरा भला मत कहना, मेरे किसी सहाबी के मौकिफ के पर तनकीद मत करना, मेरे किसी सहाबा के ताल्लुक से बुरे अल्फाज अपनी जबान पर मत लाना। जब आपने ये चीज मना कर दी तो हम कौन होते हैं? कुरान ने सारे लोगों के बारे में कहा वकुल वअदल्लाहुल हुस्ना, तमाम असहाबे किराम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया है। अल्लाह ने जिनके बारे में कहा रदियल्लाहु अन्हुम रदवान, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। कुरान ने जिनके बारे में कहा उलाइका हुमुर राशिदून, ये राशिदीन है, यानी हिदायत के मिलने के बाद भी ये जमात कभी गुमराह नहीं हुई। रुश्द ऐसी हिदायत को कहते हैं कि इल्म के आ जाने के बाद समझ बूझ लेने के बाद भी कभी गुमराही की तरफ कदम उन्होंने नहीं उठाया। कुरान जब उनके बारे में बयान दे रहा है तो आज का ये जाहिल कौन होता है जो असहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां करके उनके मकाम और मर्तबे को घटाने की कोशिश करता है? ये उसकी जहालत के चंद नमूने थे जो मैंने आपके सामने पेश किया। ये कहता है मैं अपनी तकरीर में अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला नो कहता हूं तो
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको सहाबी मानता हूँ, बल्कि चूंकि ये किताबों में आया इसलिए मैं भी पढ़ देता हूँ। नाउज़ बिल्ला, उसके अंदर इतनी खबासत, इतनी नफरत है सहाबा किराम के ताल्लुक से। नाउज़ बिल्ला, मैं ये जो बातें आपके सामने रखा, मकसद ये था कि इसकी गुमराहियों से उम्मत को वाज़े किया जाए, ख़ास तौर से हमारे अपने नौजवानों को जो सोशल मीडिया से टच में रहते हैं और ये उसी ज़रिए से अपनी फितना परवरियों को लोगों के दरमियान पेश करता है। ये कभी किसी के सामने नहीं आता। बहुत मरतबा इसने चैलेंज किया, हमारे उलमा इसके घर के पर पहुंच गए, पाकिस्तान के अंदर बाहर नहीं निकला। इसीलिए हम कहते हैं कि भगोड़ा है, मर्द नहीं है। मर्दानगी होती तो बाहर आता, मुकाबला करता। ये सोशल मीडिया के पर आने के बाद कोई कुछ भी चीख चिल्ला सकता है। उलमा गए, उसके घर के पर गए, जब चैलेंज किया तब गए, नहीं निकला, भाग गया। और उसके बाद फिर वो आता है चूहे के जरा अपनी बिल के अंदर बाहर निकलता है सोशल मीडिया के पर और फितना फैलाकर फिर वापस चला जाता है। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। तो हमें ऐसे मौके के पर बहुत चौकन्ना रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी था, मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे। लिहाजा हमें ऐसे इख्तिलाफ के मौके पर अल्लाह के रसूल और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, उनके तरीके को मजबूती से थामे रहना है। यही दरअसल उम्मत की निजात का जरिया है। मैं हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह का एक कौल आपके सामने पेश कर दूँ। इसके बारे में उलमा ने शुरू में ही मुतनब्बे किया था, लेकिन हमारा नौजवान जो अपने आप को बहुत होशियार समझने लगता है, कहता नहीं, अब उलमा को क्या समझता है, फिर तुमको समझता है। वो बुखारी का हवाला दे रहा है, मुस्लिम का हवाला दे रहा है, तो कहते हैं कि वो सारी बातें दलीलों से पेश कर रहा है, उसके बाद उसकी तकरीर क्यों ना सुने। मना कर रहे थे उलमाए किराम। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं, जब फितने आते हैं तो उलमा पहचान लेते हैं, और जब फितने जाते हैं तो अवाम को खबर लगती है कि फितना था। तो अल्लाह उलमा को ऐसी बसीरत देता है कि उस बसीरत की बुनियाद के पर वो फितनों को भांप लेते हैं कि ये आगे चलकर क्या करेगा। ये शिकारी की तरह अपना जाल डाला हवाले के नाम के पर, ये देखो बुखारी है, ये है, वो है, और उसके बाद गुमराह किया उम्मत मुस्लिमा को। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें इस तरह के फितनों से महफूज कर, इल्म के पर इस्तेकामत अता फरमा, किताब व सुन्नत की सही फहम अता फरमा, हमें दीन के पर उसी तरह जमे रहने और दीन को उसी तरह समझने की तौफीक दे जिस तरह असलाफ़ किराम ने दीन को समझा था। ये इस तरह के जाहिल जो इंजीनियर की शक्ल में या किसी भी शक्ल में हमारे सामने आए, परदिगार इन सारे लोगों की हकीकतों को उलमा और उम्मत हर किसी के सामने वाजे कर दे और इनके शुरूर और फितना से उम्मत को और ख़ास तौर से नौजवानों को महफूज रख। आमीन। वआखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।